फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहार, वेलकम टू माय चैनल नीटिंग कोर्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये कार्डिगन की राउंड वाली पॉकेट बनाना सिखाऊंगी कि ये पॉकेट कैसे बनाई जाती है। देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड में हमारी पॉकेट बनती है। बनने के बाद इसकी लुक बहुत ही प्यारी आती है और बनाई बहुत ही सिंपल तरीके से जाती है। पूरा कार्डिगन बनाने के बाद लास्ट में हमारी ये पॉकेट बनती है और बाद में हम इसकी सिलाई करते हैं। तो चलिए इसे मैं आपको बताती हूँ कि इसे कैसे बनाया गया है। ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो डिजाइन मैंने इसमें अप्लाई किया हुआ है, ये डिजाइन मैं पहले अपने इसी चैनल पर इसे बनाना सिखा चुकी हूँ। अगर आपने इसे अभी तक बनाना नहीं सीखा है तो आप चैनल पर इसे सीख सकती हैं। वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी। अगर आपको नहीं मिली है तो वहां से आपको आसानी से ये मिल जाएगी। अगर आप कोई भी अलग से पैटर्न बना रही हैं तो भी आप इसमें अपना कोई भी जो डिजाइन आपने अपने कार्डिगन में अप्लाई किया हो वो आप डाल सकती हैं। इसमें मैंने जो डिजाइन कार्डिगन में लिया है वही नीचे से लिया हुआ है, तो उसके मैंने इसमें चार पार्ट बनाए हुए हैं। 53 फंदे मैंने इसमें लिए हुए हैं। 13-13 फंदे का हमारा ये डिजाइन है, 6-3 फंदे का इसमें गैप आया है, 4 फंदे इधर और 4 इधर। ये हमने उल्टे उल्टे ही लिए हुए हैं, आप भी इसी तरह से लीजिएगा। देखिए दोनों साइड से इसमें उल्टी लाइने हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, 4 पार्ट हमारे इस डिजाइन के बन गए हैं, ये और ये। हमने देखिए 2 फंदे उल्टे, यहां से 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे करते हमने ये बॉर्डर बनाया है। दोनों साइड से ये सेम होता है। जो फंदे यहां पर आपके सीधे हैं वो यहां आपके उल्टे हो जाएंगे, लेकिन ये 2 फंदे आपको उल्टे ही चलाने हैं दोनों साइड से, ये आपने ध्यान रखना है। शेप जो है पॉकेट की शेप अच्छी आएगी। इस पॉकेट की लेंथ फ्रेंड्स मैंने जो है 6 इंच बनाई है। देखिए मैं आपको इसका नाप भी बता देती हूँ, ये देख लीजिएगा, यहां तक हमारी ये पॉकेट बनी हुई है 6 इंच। 6 इंच की पॉकेट बनाने के बाद इसके जितने फंदे सारे बाइंड ऑफ कर देने हैं। अब यहाँ का आपको एक सॉल्यूशन देती हूँ फ्रेंड्स। जैसे आपने नीचे कोई डिजाइन एडजस्ट किया है, यहाँ मेरे 53 फंदे थे, लेकिन ये हमारे 2-2 के पेयर में ऊपर जा करके ये जो है उल्टे और सीधे का बॉर्डर बनेगा। इसमें क्या फ्रेंड्स, देखिये हमने 2 फंदे यहाँ भी उल्टे लेने हैं और यहाँ भी उल्टे लेने हैं। इसके लिए अगर आपको 1-2 फंदा कम करना पड़े तो आप कर लीजिएगा। मैंने इसमें ऊपर जाकर के 3 फंदे घटाए हुए हैं, क्योंकि अगर 3 फंदे नहीं घटाते तो यहाँ पर 2 फंदे सीधे आ रहे थे, जो कि हमने अपनी पॉकेट के डिजाइन को खराब नहीं करना है। इसलिए 2 उल्टे यहाँ रखने हैं, 2 उल्टे यहाँ रखने हैं, उसके बाद 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, ये आप बॉर्डर बना लीजिएगा। पॉकेट की लेंथ आप 6 इंच तैयार कर लीजिएगा। ये देख लीजिएगा, मैं आपको बता देती हूँ, ये जो हमारा बॉर्डर है ये 2.5 इंच का है, नीचे जो है वो हमारा 3.5 इंच रह गया है। अब हमने क्या करना है, ये सारे फंदे बाइंड ऑफ करने के बाद आप इन्हें ऐसे सील दीजिएगा यहां से। ये देखिए जितना आपका ये बॉर्डर है उसको लेकर यहां से यहां तक सुई से इसकी सिलाई कर देनी है। सिलाई बहुत नॉर्मल ही होगी इसकी, ज्यादा वो नहीं है। देखिए आप ऐसे लीजिएगा इस तरह से, और अपने बारीक बारीक से टांके लगाते हुए आप इसे पहले यहां से यहां तक सील लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं इसकी जो है ये वाली सिलाई कर लेती हूं पहले। देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने इस तरह से इसकी सिलाई कर देनी है। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, आप इस तरह से इसमें डोरी बना लीजिएगा। डोरी की मैं कोई अलग से वीडियो बना करके डाल दूंगी कि ये डोरी कैसे बनाई जाती है। अगर आपको बनानी आती है तो अच्छी बात है। वैसे ये बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है। कोई भी जो ऊन होती है उसे सबसे पहले आप लीजिएगा, डबल कीजिएगा, और डबल करके उस पर काफी इस तरह से हमने ऐसे लपेट के इस पे बल चढ़ाना होता है, और फिर डबल किए हुए धागे को भी हमने दोबारा ऐसे करते हैं तो ये लपेट के आराम से बन जाती है। ये जो डोरी आप लेंगे इसको इसके अंदर से ऐसे हम डाल देंगे, इस तरीके से हम इसे इसके अंदर डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसमें इस डोरी को डाल देंगे। ये जो फ्लावर मैंने बनाया है ये क्रोसिये से बनाया हुआ है। यहाँ पर आप जो है छोटा सा पोम-पोम बना करके भी लगा सकती हैं। ये मैं आपको बनाना बता दूंगी कि इसको कैसे बनाया गया है। ये देखिएगा, एक साइड का मैंने इस पे अटैच कर दिया है। दूसरी साइड का हम तब अटैच करेंगे जब हम अपनी ये डोरी इसके अंदर डाल लेंगे। वैसे ये निकल तो वैसे भी जाएगा, क्योंकि ऊन का होता है, आराम से निकल सकता है। ये आपकी मर्जी, पहले भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बाद में लगाना है। देखिए इसको लेंगे, यहां पर बांध देंगे। ये हमने जो लपेट करके डोरी बनाते हैं इसमें बहुत सारे बल हमने चढ़ाने होते हैं, तो ये देखिए यहां से डबल है।
ये जो हमारा धागा है क्रोशिए की जब हम लूप बनाते हैं तब ये बचता है, तो हम इसको काटते नहीं हैं, इसमें बांधने के ये काम आ जाता है। ये देखिएगा, इसे यहां पर लेंगे और इसकी यहां पर नोट लगा देंगे। देख लीजिएगा फ्रेंड्स आप ध्यान से, यहां पर आपने इसकी नोट लगानी है। इस तरह से लेंगे और ऐसे बांध देंगे। यहां पर आप दो या तीन नोट लगाइएगा, ये खुले ना, टाइट सा इसको कस दीजिएगा और उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा धागा आपका बचता है इसे आप काट दीजिएगा। ये देखिएगा मैंने इसमें तीन नोट लगाई हैं और इस वाले धागे को अब मैं काट देती हूँ। इसको हमने क्या करना है, सुई धागा लेंगे और इसको यहाँ पर इसके साथ अटैच कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको इसे अटैच करना बताती हूँ, क्योंकि अगर ऐसे छोड़ेंगे तो डोरी यहाँ पर ऐसे रहेगी, हमने इसको इससे लगाना है। तो हम देखिए इसको यहां से लेंगे और ऐसे सुई की सहायता से ऐसे लगा देंगे, ऐसे ये धागा रखा है इसकी हम नोट लगाएंगे, इसको यहां से लेंगे और दोबारा से हम इसके इस साइड से ही इसे निकाल लेंगे और अब यहां पर हम बहुत ही टाइट एक नोट लगाएंगे। ये बहुत अच्छा लगता है इस राउंड पॉकेट के ऊपर बना हुआ फ्लावर। तो देखिए फ्रेंड्स ये इस तरह से हमारी डोरी तैयार हो गई है। अब हमने इसको काट देना है यहां से, बिल्कुल इसके मिला के काटना है इसको। ये देखिए दोनों साइड हमारा ये हो गया है। अब हमने क्या करना फ्रेंड्स, इसे हमने ऐसे खींचना है, ऐसे इन दोनों को आपने बराबर रखना है और यहां आप इसकी एक नोट लगाइएगा और बहुत टाइट लगाइएगा। ये जो डोरी आप बनाएंगी ये चार बार फोल्ड हुई हुए हैं, दो बार फोल्ड करके हमने उसमें बल चढ़ाए फिर दो बार फिर से फोल्ड हो गई, इसलिए मोटी डोरी होती है ये। ये देखिएगा फ्रेंड्स इस तरह से आप इसमें नोट लगा लीजिएगा और फिर ये वाला इस तरह से लीजिएगा और इन दोनों को आपस में बांध दीजिएगा ऐसे। ये देखिएगा ये हमारी इस तरीके से जो है फ्रेंड्स राउंड तैयार हो गई है। आपने इसको इस तरह से तैयार कर लेना। अब हमने इसको राउंड में सीलना है। कैसे सीलना है आप ध्यान दीजिएगा, देखिए एक साइड की हमने सीली हुई है, दूसरे साइड पर आप ध्यान दीजिएगा कि कैसे करनी है। ये देखिएगा हमने इसमें जब लगाई है तो देखिए ये जो चार फंदे वाली केबल है इसको छोड़ के थोड़ा अंदर लगाया हुआ है। नाप हमने जितना इसका रखा है उतना ही हम इसका रखेंगे। तो मैं आपको एक बार इसको रख के दिखा देती हूँ, इसको सीलना बता देती हूँ। ये जो हमारी है देखिए अंदर की तरफ जाएगी, इसको हमने ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देना। ये जो हिस्सा है हमारा फ्रेंड्स ये थोड़ा अंदर चला जाएगा ऐसे, इस तरीके से ये हमारी सिलेगी, क्योंकि अगर हम इसे थोड़ा अंदर फोल्ड नहीं करेंगे तो ये राउंड में नहीं बनेगी। तो जब हम इसे सिलेंगे तो देखिए ये थोड़ी थोड़ी अंदर की तरफ ऐसे मुड़ जाएगी और इसको ऐसे रख के ऐसे हमने सील देना है। तो देखिए हम इसे यहां पर लगाएंगे जहां हमने इसको सीलना है। इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, इसे आप सिलाई मशीन से भी सील सकती हैं और हाथ से भी सील सकती हैं। मैंने इसको हाथ से ही सीला हुआ है तो मैं इसे हाथ से ही सीलूंगी। तो आप इस तरह से इसे रख लीजिएगा, ये देखिएगा ये आपकी राउंड पॉकेट इस तरह से तैयार हो जाएगी ऐसे रख के। अब यहां से हम इसे सीलना स्टार्ट करेंगे इस हिस्से से, देखिएगा मैं आपको पॉकेट को ऊपर करके दिखा देती हूं। इस हिस्से से सीलना स्टार्ट करेंगे और यहां तक हमने इसका बस इतना सा हिस्सा रखना है। तो हम इसको ऐसे रखेंगे और यहां से सीलना स्टार्ट करेंगे और यहां तक इसे सील देंगे। आप दोनों तरह से सील सकते हैं, सिलाई मशीन से भी इसको सील सकती हैं और सुई धागे से भी, जैसे हम स्वेटर सीलते हैं। ऊपर की तरफ टांका आपका ना दिखाई दे, अंदर की तरफ आपका होना चाहिए। छोटे छोटे टांके लगाते हुए आप इसे राउंड में सील दीजिए। देखिए फ्रेंड्स सीलने से पहले आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ, इसको राउंड बनाने के लिए हमें थोड़ा सा फोल्ड करना होता है। जब हम सीलेंगे तो देखिए ये जो किनारी है ये अंदर की तरफ मुड़ जाएगी, तभी हमारी ये राउंड बनेगी और इसकी शेप अच्छी आएगी। इसलिए मैं आपको ये दोबारा से दिखा रही हूँ। तो आप इसे जब ये इसके अंदर डोरी डाल के इसमें यहाँ नोट लगाएंगी तो आपका ये ऐसे बन जाएगा और सीलते टाइम आप इसे ऐसे फोल्ड कर लेना। इसको ऐसे रख के अगर आपको सुई से सीलना हो, मशीन से सीलना हो तो ऐसे यहाँ पर मशीन रखी जाएगी और यहाँ से ये चल जाएगा। मैं इसे सुई से ही सीलूंगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे कोई भी मतलब जैसे जूड़ा पिन ले लेंगे या सेफ्टी पिन ले लेंगे, इसको हम यहाँ से थोड़ा पक्का कर देंगे।
इस साइड से, क्योंकि जिस साइड से आपको सिलना है उससे दूसरी साइड में इसको ऐसे लगा देना, ये आपका हिलेगा नहीं। और एक यहाँ पर बीच में कर देना फ्रेंड्स, देखिए इस तरीके से, ये फिर आपकी हिलेगी नहीं, आप बहुत आसानी से इसे सील लेंगे। ऐसे कर देना इसको, अब देखिए यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। अब इसे यहाँ से सुई से टाका लगाना शुरू करेंगे। ये जो हमारा धागा है, अगर ये आपका देखिएगा इस साइड पे गया हुआ है, मैं आपको ध्यान से दिखा देती हूँ, ये हमारा इस साइड है, तो हम इस वाली साइड से ही इसको सीलना स्टार्ट कर देंगे। तो ये वाली पिन हम यहाँ से निकालेंगे, दूसरी साइड पे लगा देंगे, क्योंकि हमारा ये धागा है तो यही काम आ जाएगा, वेस्ट नहीं जाएगा। इसको यहां से पिन अप कर देंगे और इस साइड से इसे सीलना स्टार्ट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा आपको सील करके दिखाती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, आप इस तरह से पॉकेट आराम से बना सके। हम यहां से इसे जोड़ना शुरू करेंगे, तो यहां से जोड़ने के लिए हम नीचे से सुई डालेंगे और इसमें ऊपर की तरफ पहले निकाल लेंगे। हम यहाँ पर इसे पक्का करेंगे क्योंकि हमने इसका ज्यादा खुला हुआ मुंह नहीं चाहिए है, यहाँ से इसको जोड़ना शुरू कर देंगे। अंदर की तरफ टाके होने चाहिए, बाहर की तरफ आपके ना नजर आए। तो देखिए इसे यहाँ से हमने सीलना स्टार्ट कर दिया है और अब इसे यहाँ से सीलते हुए नीचे तक जाएंगे। जब आपका ये इतना सा पार्ट जुड़ जाए तब देखिए, जैसे मैंने आपको बाजू अटैच करनी सिखाई थी फ्रेंड्स, वैसे आप कीजिएगा। यहाँ से आप सुई डाल लीजिएगा और देखिएगा ऐसे निकाल लीजिएगा इसमें से। ये दो तीन आप पिनअप जरूर करके रखिएगा ताकि जब आप इसे ऐसे सिलो तो ये आपका हिले ना। इसको हम पिछली साइड इसके बिल्कुल इस धागे के साथ में डालेंगे यहाँ से, और इसमें टाके इतने छोटे छोटे लगाने हैं, बिल्कुल ही बारीक बारीक, बड़े नहीं होने चाहिए इसमें, नहीं तो इसमें छेद बन जाएंगे, कहीं से कुछ सामान भी निकलने का डर रहेगा। तो देखिए ऐसे बिल्कुल इसके साथ लेकर के ऐसे करते हुए राउंड में इसकी सिलाई करनी है आपने। यहां से देखिए ये सिला स्टार्ट हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये दोनों पॉकेट सिल गई हैं। आप इस तरह से इनके सिल लीजिएगा। आपको अगर जैसे मैंने बताया है ये तरीका अगर आपको आसान ना लगे सिलाई का, तो आप अपने तरीके से भी इसे सील सकती हैं, जो आपको इजी लगे। बट इसको जो है फोल्ड ऐसे ही कर लेना जैसे मैंने आपको करके दिखाया है। इससे देखिए ये जो है इसकी राउंड आ जाएगी। अब मैं आपको ये वाला फ्लावर बनाना बता देती हूँ कि ये कैसे बना हुआ है। ये मैंने क्रोशिये से बनाया है, यहाँ पर आप पोमपोम भी लगा सकती हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जो है एक लूप बना लेते हैं इसकी। देखिए ऐसे करके क्रोशिये की, बहुत ही सिंपल तरीके से ये फ्लावर बनता है। आप इसे ऐसे बना सकती हैं, आप ऐसे लीजिएगा, ये देखिएगा। इस तरह से एक लूप बनाने के बाद हम इसकी सात चेन बनाएंगे। देखिए इसको ऐसे, एक दो तीन चार पांच छः और ये सात, इस तरह से सात चेन बना के फ्रेंड्स देखिए यहां से इस पहले वाले होल में से इसको ऐसे डाल लेना और इसको ऐसे कर लेना यहां से। देखिए ये यहां से हमने राउंड बनाना है क्योंकि जो हम लूप बना रहे हैं वो ऐसे ही बनेगी। उसके बाद इसे ऐसे लेंगे और इसके बीच में से निकाल देंगे ऐसे करके। देखिए ऐसे राउंड में हो जाएगा। अब ये देखिए दो धागे हैं यहाँ पर, इसको ऐसे लेंगे और इन दोनों के बीच में से ऐसे निकाल देंगे। अब देखिए कैसे करना है, हम एक चैन और बना लेंगे इसमें से ऐसे। अब इस वाले धागे को इस पार देखिए, एक और ये दो, दो बार इस पे से लपेट के ये जो देखिए राउंड बन गया है इसके बीच में से ऐसे निकाल लेना है। ऐसे हम एक देखिए ये लूप हमने बना ली है। अब इसको ऐसे लेंगे और ये दो धागे में से ऐसे इसको निकाल लेंगे। उसके बाद फिर से ऐसे लेंगे और जो बाकी के दो बच गए उसमें से भी हम इसको ऐसे निकाल लेंगे। इस तरीके से आप इसकी लूप बना लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, ये निकालने के बाद ऐसे लीजिएगा, एक चैन इसकी और बना लीजिएगा ऐसे। इसको फिर आपने दो बार लपेटना है, एक और ये दो। फिर से आप इसी राउंड में से ऐसे डाल लीजिएगा और ऐसे निकाल लीजिएगा।
और ऐसे निकाल के ऐसे ले लीजिएगा और इन दो धागे में से ऐसे निकाल के इसको ऐसे ले लेना है और इन दोनों के बीच में से आपको ऐसे इसे निकाल लेना है। इस तरह से आप इसे बार बार करते हुए जाएंगे। देखिए ये फिर से आपने इसी में से निकाल लेना है और दो बार लपेट लीजिएगा, एक और ये दो बार ऐसे लपेटने के बाद आपको इसी ये जो हमने गोल बनाया हुआ है इसी के बीच में से निकाल करके ऐसे कर लीजिएगा। फिर इसको ऐसे ला करके और ये दो में से ऐसे निकाल देना है। फिर ऐसे लेंगे और इसको इन सब के बीच में से ऐसे निकाल देंगे और ये जो आपकी लूप बनेंगी इनको आप इनके साथ मिलाते जाइएगा और इसे इस तरह से करते हुए आप पूरे राउंड में बनाएंगी तो आपका ये फ्लावर इस तरीके से बन करके तैयार हो जाएगा। चलिए एक चैन और बना करके दिखा देती हूँ। देखिए ऐसे ही लेना है, इस तरह से पहले एक चैन बना लीजिएगा, फिर दो बार लपेट लीजिएगा। दो बार लपेट के ये जो हमने गोल बनाया हुआ है देखिए ये घेरा हमने बनाया था इसके अंदर से ऐसे निकाल लेना और इसको ऐसे लेकर के इन दो धागे के अंदर से निकाल लेना जो दो फंदे हमने बनाए हुए हैं। फिर लेंगे और बाकी के इन दो के अंदर से हम इसे निकाल लेंगे और फिर से हम इसकी एक चैन बनाएंगे। इस तरह से आपने इसको रिपीट करना, फिर दो बार लपेटेंगे तो इस तरह से जब हम इसे करेंगे तो देखिए ये हमारा राउंड में बनना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से करते हुए आप इसे राउंड में बना लीजिएगा और ये जो हमारे बन रहे हैं इनको आपस में मिला लीजिएगा तो इस तरीके से आपका ये फूल बन जाएगा। फ्रेंड्स आपको ये पॉकेट पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी न्यू प्रोजेक्ट में बनाना शुरू करूं जैसे ही तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाएं और आप उसका फायदा उठा सके। थैंक यू।